आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ग्वालियर एयरपोर्ट के 446 करोड़ की लागत से बने नए टर्मिनल भवन और एयरपोर्ट के विस्तार कार्य का करेंगे शुभारंभ। इसके साथ ही शाह पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपेंगे। देश में पहली बार हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। देश में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में हो रही है। इसके लिए 3 किताबें तैयार। आज गृह मंत्री अमित शाह इन किताबों का करेंगे विमोचन। एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम को मंदार नाम दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में भारत भवन में आयोजित हिंदी विमर्श कार्यक्रम को संबोधित किया और डॉक्टरों से हिंदी में दवा लिखने की अपील की। आरएक्स की जगह श्री हरि लिखो और दवा का नाम लिख दो हिंदी में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 39वां दिन। आज बेलारी में भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी होंगे शामिल। भोपाल में जनता पर महंगाई का एक और झटका। फिर बढ़े अमूल दूध के दाम। 2 रुपए तक बढ़ाए गए दाम। अमूल शक्ति अमूल गोल्ड के दामों में हुआ इजाफा। अगस्त में भी अमूल दूध के बढ़े थे दाम। नई दरें आज से होंगी लागू। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाकर 351 लीटर शराब और 27,555 किलो लाइन किया जब्त। 17 आरोपियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्नाटक के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल। बेलारी में आम सभा में भी शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। रायपुर में आदिवासी आरक्षण पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान। कहा सरकार ने पक्ष रखने में कोताही बरती जिसकी वजह से जनजाति समाज को परिणाम भुगतान पड़ रहा है। रायपुर में आरक्षण के मामले को लेकर बीजेपी का पैदल मार्च। पैदल मार्च निकालकर बीजेपी राज्यपाल को सौंपेगी ज्ञापन। रायपुर में बीजेपी के राजभवन पैदल मार्च पर कांग्रेस का तंज। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान। कहा बीजेपी पैदल मार्च के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही। इंदौर में इनकम टैक्स और ईडी की बड़ी कार्रवाई। टीनू संघवी समेत कई बिल्डरों के ठिकाने पर दी गई दबिश। संपत्ति के दस्तावेज खंगालने में जुटी आईटी और ईडी की टीम। कोरबा में बंद पड़े पावर प्लांट की चिमनी जमीन दोस्त। देखते ही देखते चंद सेकंड में ढेर हो गई चिमनी। बल्द बाजार में गौठानों में नहीं थम रहा गायों की मौत का सिलसिला। मृत गायों को ट्रैक्टर से घसीट कर फेंका गया बाहर। कलेक्टर के आदेश के बावजूद नहीं दिया जा रहा ध्यान। इंदौर में अलवासा टोल प्लाजा पर दिखी ग्रामीणों की गुंडागर्दी। टोल टैक्स लेने पर ग्रामीणों ने टोल कर्मियों से की मारपीट। टोल कर्मियों ने 20,000 रुपए लूटने का भी लगाया आरोप। अमरवाड़ा में सिंघोरी पेंच नदी में मिला व्यापारी का शव। सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुर्रा में स्कूल की पानी टंकी के नीचे दबने से छात्र की मौत। पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात शिक्षक को भी की कार्रवाई। गरियाबंद में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाया गया। छात्रों ने मानव श्रृंखला के जरिए मिसाइल मैन का नाम उकेरकर याद किया। बुरहानपुर में नेपाल नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस की भर्ती। विनोद पाटिल 15 वोटों से बने अध्यक्ष। कांग्रेस के 12 पार्षद बीजेपी के 10 और 2 निर्दलीय पार्षदों ने की वोटिंग। खरगोन में युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने किया चक्का जाम। पान व्यवसायी रितेश जैन का एक्सीडेंट के बाद उपचार के दौरान हुई थी मौत। विदिशा में भाजपा और एबीवीपी ने कार्रवाई की मांग की और कहा कि राजकुमार विश्वकर्मा मुख्यमंत्री का अकाउंट फर्जी तरीके से चला रहा है। शासकीय कर्मचारियों से करता है आदिवासी। थाना प्रभारी ने जल्द जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कांकेर में 27 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी शहर के बीच सड़क। संसदीय सचिव ने किया भूमि पूजन।
महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक में महिला किसान दिवस का हुआ आयोजन। महिला किसानों ने वन अधिकारी पट्टे की उठाई मांग। वर्षों से काबिज होकर जमीन जीवन यापन कर रहे वन भूमि की स्थायी अधिकार की मांग की। रायपुर की सेंट्रल जेल में लोक अदालत का हुआ शुभारंभ। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम भदौड़ी ने किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में पहली बार लगेगी लोक अदालत। बेपालपुरा गौतमपुरा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी बस में मारी टक्कर। हादसे में ड्राइवर की मौत। ट्रक से टक्कर लगने से ड्राइवर पर चढ़ा बस का टायर। गरियाबंद जिले के सिंगेश्वर थाना क्षेत्र की पुलिस लगातार चोरी के मामलों में धरपकड़ करने में जुटी हुई है। सिंगेश्वर के गांव खड़सा में बीते रात चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पिंगेसर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिंगरौली उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने जिले में जारी किया सख्त निर्देश। एसडीएम ऋषि पवार आरटीओ विक्रम सिंह राठौर के द्वारा स्कूली बसों का किया गया अटैच निरीक्षण। गाजियाबाद में पिटबुल और रॉटविलर सहित तीन डॉग्स की ब्रीड पर बैन लगाया गया। गाजियाबाद में हाल ही में कुत्तों के हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। ग्लोबल हंगर इनबॉक्स 2022 को लेकर 121 देशों की रैंकिंग लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत 107 नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी पीछे है। रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने देश की छवि खराब करने का बताया है। T20 वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है। पहली बार यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप 3 चरणों में होगा।